हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनीष सिंह। आज हम लोग 10th आईसीआईसी का फिजिक्स चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका फोर्सेस, तो उसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, द फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडी व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड द फोर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है कॉन्टैक्ट फोर्स, सी ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्स, डी ऑप्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अगर बॉडी दो बॉडी है, अगर वो फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें फिजिकल टच तो है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा आपका। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो फिजिकली एक दूसरे से अटैच होते हैं या टच्ड होते हैं। तो ये बी ऑप्शन होगा आपका, फिजिकल कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है कॉन्टैक्ट फोर्स। सी है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो ये ड्यू टू चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा आपका सी वाला। डी वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये ड्यू टू चार्ज होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका बी ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है। अभी सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी, इसका एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है बताइए? यहाँ पे दो मासेज जो होते हैं कॉन्टैक्ट में नहीं होता है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आंसर है आपका तो यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नोट एग्जाम्पल है, तो ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, ए बी सी। तो जो डी फोर्स है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर टच्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ रफ सरफेस द फोर्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी अमंग द सरफेस अलोंग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। तो ये नॉन फ्रिक्शनल फोर्स होगा क्या? अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स जो बॉडी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये नॉन फ्रिक्शनल फोर्स होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स, तो बी जो है फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि अगर कोई बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स तो पता है आपको कि दो बॉडी के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स होता है। टेंशन फोर्स पता है, अगर कोई बॉडी है उसको अगर आप हैंग करोगे हैविंग मास एम, तो इसके ऊपर टेंशन फोर्स होता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस बॉडी एग्जर्ट अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट डाउनवर्ड ऑन द सरफेस बट बॉडी डजंट मूव और फॉल बिकॉज द फोर्स एग्जर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉडी नॉर्मल टू द सरफेस विच इज कॉल्ड। इसका आंसर बताना है आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन है टेंशन फोर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग टेंशन फोर्स ही बोलते हैं। कोई बॉडी है किसी से हैंगिंग है, तो उसको हम लोग टेंशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो नॉन कॉन्टैक्ट मतलब वो टच भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा बी वाला। सी है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल है ना वो। ठीक है, फोर्स एक्टिंग इन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका सी है, इसमें टेंशन फोर्स भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी को हैंग नहीं कर रहा, तो आंसर आपका सी है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, एक बॉडी है उसके ऊपर दूसरा बॉडी रखा हो, तो ये मास स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, तो ये स्मॉल एम जो है आपका, इसका एमजी लगता है डाउनवर्ड, ऊपर में टेंशन लगता है टी। ठीक है, तो उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी इवन विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड
विदाउट फिजिकली टच्ड आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कोलिजन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं है, ठीक है। कोलिजन फोर्स में क्या होगा, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्ट्राइक करेगा तभी कोलिजन फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स, एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी है या फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स शो करता है ड्यू टू द सर्फेस। टेंशन फोर्स, ठीक है, एक बॉडी है हैंग किया तब टेंशन फोर्स होता है, ठीक है। तो फिफ्थ का ऑप्शन होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से टाइप का फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, एक बॉडी एक दूसरे को फिजिकली टच करते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स होता है दो मासेस के बीच में होता है, उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, सेवन्थ क्वेश्चन है, विच आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी, साइज और शेप भी चेंज कर सकता है फोर्स। सी ऑप्शन है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट और बोथ, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, एट वन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फर्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, नन ऑफ दिस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट होता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, इट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है। नेक्स्ट ऑप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइन, मोमेंटम ऑफ बॉडी इन लीनियर मोशन इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो हम लोग को पता है मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में क्या है, मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका, सेकंड क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये करेक्ट नहीं ऑप्शन है क्योंकि हम लोग मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये तो फोर्स होता है आपका, राइट। नेक्स्ट है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो ये नहीं होगा क्योंकि हम लोग सिर्फ मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। टेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर मोमेंटम। मोमेंटम के लिए ट्रू क्या है, तो मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो डायरेक्शन का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। इट डजेंट डिपेंड्स ऑन द मास बिकॉज मास इज द कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकंड हो गया। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है और डी है ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मोर एमसीक्यू के साथ।